20% तन्हा वोट चंक अकेला मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमानों को आज की राजनीति में तमाम सेकुलर दल भी तिरस्कृत कर रहे हैं, उनको उनकी एहानत कर रहे हैं, और इस 20% के 4 करोड़ की जनसंख्या को इस जमहूरी प्रोसेस में जलील करने की कोशिश की जा रही है। 84 मुस्लिम उम्मीदवार जो सिंगल कैंडिडेट थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे नहीं था, 84 कैंडिडेट सिर्फ 2% वोट से हार गए, यानी 24 जीते और 84 2% से इसलिए हार गए कि उन सीटों पर इन्हीं सेकुलर पार्टी के जो दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने वोट लेकर इन 84 मुस्लिम कैंडिडेट्स को हराया। मैं सेकुलर पार्टियों से यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट सड़क पे पड़ा हुआ सिक्का नहीं है कि जिसे जो जब चाहे उठाए और अपनी जेब में डाल के आगे चलता बने। ২০২২ के इस असेंबली चुनाव में अपनी एक खास रणनीति आपको बताने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए आज हम यहां आए हैं। आप जानते हैं कि 2022 का यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है और इस चुनाव में हम जहां तक देख रहे हैं, हमने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक खास रणनीति के तहत इस चुनाव को पोलराइज करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति मल्टीपल पार्टीज की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रही है, यहां कई पार्टियां स्टेक होल्डर रही हैं, लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिसे प्रमोट कर रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि वो ध्रुवीकरण चाहते हैं, पोलराइजेशन चाहते हैं, और इस पोलराइजेशन का फायदा हमने 2019 के चुनाव में देखा है कि जब पोलराइजेशन होता है, यहां पर ध्रुवीकरण होता है वोटों का, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन था, उस गठबंधन का फायदा हमने देखा कि बीजेपी को पहली मरतबा स्टेट में 50% वोट मिला लोकसभा के चुनाव में, सिर्फ ध्रुवीकरण की। आज अगर ध्रुवीकरण होता है तो उस ध्रुवीकरण का फायदा भी बीजेपी को होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि इस चुनाव में जो छोटे छोटे से जात बरादरी का कास्ट फैक्टर है, वो कास्ट फैक्टर को सब लोग बहुत अहमियत दे रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई ग्रुप है, वोट चंक है, तो वोट चंक मुसलमानों का है। 20% तन्हा वोट चंक अकेला मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमानों को आज की राजनीति में तमाम सेकुलर दल भी तिरस्कृत कर रहे हैं, उनको उनकी एहानत कर रहे हैं, और इस 20% के 4 करोड़ की जनसंख्या को इस जमहूरी प्रोसेस में जलील करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे सेकुलर दल हैं, वही सेकुलर दल उनको जलील कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये देखा कि दो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल एक थिंक टैंक की हैसियत से काम करता है। 2002 से लेकर अब तक 20 साल में जो 8 चुनाव हुए हैं यहां, उन 8 चुनाव में लोकसभा का और राज्य और असेंबली के जो चुनाव हुए, हमने उन सब का एनालिसिस किया है, और उन एनालिसिस की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि जो 140 यहां पर पिछली मरतबा 2017 का अगर मैं अकेले बात करूं, तो सिर्फ 2017 के चुनाव में 140 सीटों पर 172 उम्मीदवार मुसलमान खड़े हुए थे, कांग्रेस, सपा, बसपा और आरएलडी, इन 4 पार्टी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से 172 उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 24 जीते। और अगर आप गौर से उनके पूरे स्टैटिस्टिक्स देखें, मेरे पास रिपोर्ट्स है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, आपको दे भी सकता हूं, 84 मुस्लिम उम्मीदवार जो सिंगल कैंडिडेट थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे नहीं था, 84 कैंडिडेट सिर्फ 2% वोट से हार गए, यानी 24 जीते और 84 2% से इसलिए हार गए कि उन सीटों पर इन्हीं सेकुलर पार्टी के जो दूसरे कैंडिडेट थे
उन्होंने वोट लेकर इन 84 मुस्लिम कैंडिडेट्स को हराया। अगर सेकुलर पार्टीज उस वक्त एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कैंडिडेट लॉन्च करती तो 2017 की असेंबली में कम से कम 108 मुस्लिम एमएलए होने पॉसिबल थे, लेकिन सिर्फ 24 आए। इसके साथ 64 कैंडिडेट थे जो थर्ड पोजीशन पे थे, 5% वोट या 6% वोट के अंतर से हारे थे। तो अगर इस प्रदेश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लेजिस्लेशन में, विधायिका में कम करने की ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी सेकुलर पार्टियों पे आयद होती है, इन सेकुलर पार्टियों ने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस तरीके से कैंडिडेट्स लॉन्च किए हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लूज कर जाएं, और उसका नतीजा ये होता है कि 24 लोग क्या जितना कम प्रतिनिधित्व पिछली लोकसभा में, पिछली असेंबली में मिला, उससे पहले कभी नहीं मिला। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी जो मसीहा बनती हैं, मुसलमान, मैंने कहा 20% मुसलमान भी इस प्रजातंत्र का, इस लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री हैं, और एक सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री में तमाम तबकात की साझेदारी को यकीनी बनाना राजनीतिक दलों का काम होता है। लेकिन राजनीतिक दल अगर ईमानदारी से काम न करें तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके उसकी उसका प्रतिनिधित्व कम करना चाहते हैं, और इसका बड़ा सीधा मतलब ये होता है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए हम ये आज ये कहते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में बीजेपी ने जानबूझ के एक मैसेज डिक्लेयर किया, एक मैसेज दिया कि वो सिर्फ 313 सीटें जीत सकती है मुसलमानों को कोई भी प्रतिनिधित्व दिए बगैर, वो भी बता रहे प्रतिनिधित्व दिए बगैर, ये मैसेज दिया बीजेपी ने कि मुसलमानों को एक टिकट दिए बगैर 313 सीटें जीती जा सकती हैं, और आज उस मैसेज को सेकुलर पार्टियों ने एक्सेप्ट किया है, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उन सेकुलर पार्टियों ने भी मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। मैं सेकुलर पार्टियों से ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम वोट सड़क पे पड़ा हुआ सिक्का नहीं है कि जिसे जो जब चाहे उठाए और अपनी जेब में डाल के आगे चलता बने। हम इस चुनाव में ये पूरी कोशिश करेंगे, एमपीसीआई एक स्ट्रेटेजी के तहत पूरे प्रदेश का दौरा करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग मौजूद हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ सत्ता अर्जित करना चाहती है हम उसको 2002 के मार्ग तक न पहुंचने दें। एमपीसीआई एक हंग असेंबली लाने के लिए जद्दोजहद करेगी। स्ट्रेटेजिकली हमारी कोशिश होगी कि 2022 का जो चुनाव का नतीजा आए वो उसमें किसी राजनीतिक दल को सत्ता ना मिले, वो हाफ मार्क के आगे ना जाए। एक हंग असेंबली, एक मौलक असेंबली, एक त्रिशंकु असेंबली के लिए हम कोशिश करेंगे।